एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभ मली। तो आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाली हूं वैनिटी का सब्सक्रिप्शन बॉक्स की, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे उसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से इसे यूज किया जाता है, इसका प्राइस क्या है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है इसमें, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वैनिटी कर्स का बॉक्स है ये एक प्रीमियम लग्जरी सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है ये दिखने में भी काफ़ी क्लासी दिख रहा है, और हर महीने मैं जब इसे ओपन करती हूँ तो इसके अंदर जो एक पिंक शर्ट पाउच मुझे मिलते हैं ये भी काफ़ी क्लास है। तो ये पाउच को खोलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे मिला है एक बुकलेट जिसके अंदर इसमें दिए गए हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है। हर एक डिस्काउंट के बातें भी यहाँ पे है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पर इस महीने का जो वैनिटी कर्स है उसका एडिशन है स्प्रिंग फ्लिंग एडिशन, क्योंकि अभी सीजन भी वही चल रहा है। तो मैं अभी इसे ओपन करती हूँ और इसके अंदर मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ एक के बाद एक क्या क्या मुझे मिला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिला है वत्र का एक टी इन वन क्लींजर, और वत्र के कई सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। ये एक प्रीमियम कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, और इसके जो चीजें होते हैं इसका फ्रेग्रेंस के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं कई सारे कॉस्मेटिक्स यूज कर चुकी हूँ मैं अपने लाइफ में, पर इसका जो फ्रेग्रेंस है ये मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। और वत्र का ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है, मतलब हर एक स्किन टाइप के लिए ये सुइटेबल होता है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है और किस लिए आपको इसे यूज़ करना है, मतलब आपका जो बेनिफिट्स होगा इसे यूज़ करके उसके बारे में। टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड क्लींजिंग, ये आपकी स्किन के लिए ये तीनों काम करेगा, और इसमें स्किन के जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो सारे चीज़ें बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, स्किन को टोन्ड एंड हाइड्रेट रखने में मदद करेगा। और इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स ऐड किया गया है वो है एलोवेरा, वाइटामिन ए एंड ओमेगा 3, ये सारे चीज़ों का मिक्सचर है ये। एंड ये सारे के सारे चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम में आप इसे, मतलब दिन में दो बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए और इसको ऐसे मसाज करके अपने पूरे फेस में सर्कुलर मोशन में से अप्लाई कीजिए, और उसके बाद कोई भी वाइपर या टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, दैट्स इट। इसमें स्किन के अंदर जितने भी डर्ट्स पोल्यूशन होते हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं 30 ml का, और ये एक सैंपल फाइल है तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पर वत्र का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसका भी जो प्राइस है ये कुछ अच्छा प्राइस ही होगा। पर ये जबकि एक सैंपल फाइल है तो आराम से इसे आप अपने पर्स में या क्लच में भी आप इसे रख सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल करने के टाइम में आप इसे कैरी कर सकते हैं और जब भी मन करे इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है बेसन का एक डेली क्लींजर। तो ये बिल्कुल ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको हाथ में लेके थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और पूरे फेस में आप नेक तक इसे यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा मसाज कर लीजिए और फिर प्लेन वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से इसे यूज़ करना पड़ेगा, इसे अगर आप चाहें तो दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन के जो प्रोडक्ट्स है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, और आपको पता है मैं जो लिप बम अभी यूज़ करी है वो भी बेसन का ही है, और इसका जो इन्ग्रीडियंट्स है एडजुकी बिन्स, बेंटोनिक क्ले, हिबिस्कस पाउडर, पापाया पल्प पाउडर, ओट्स, राइस फ्लोर एंड एसेंशियल ऑयल। इसे कोई भी ड्राई प्लेस में स्टोर करना होगा, और सनलाइट इसमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, मतलब सनलाइट से इसे दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं 15 grams। तो ये जबकि हर एक सैंपल फाइल है तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, अगर मेंशन किया होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। पर ये सारे के सारे बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, तो इसका जो प्राइस है इसका मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, ये काफ़ी मतलब महंगे हैं। और फिर मुझे मिलते हैं मोंटसब का ये नोज एंड फोरहेड मास्क, ये कोलेजन मास्क है, ऑब्वियसली एंटी एजिंग के लिए है, और ऐसे कुछ रबड़ी फॉर्म में आता है। और इसे मैं यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज से पहले इसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। इसके बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने देखा भी है यूट्यूब वीडियोस में, पर कभी भी इसे मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये मुझे यूज़ करने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मुझे कब से चाहिए था कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है कैसे नहीं ये जानने के लिए। तो मैं आपको भी बता दूँ इसका शायद प्राइस यहाँ पे मेंशन किया, हाँ यहाँ पे इसका प्राइस है, तो इसका प्राइस है 200 rupees। हाँ, इसका भी सेम प्राइस है 200 rupees, ये 4x का भी 200 ही है। तो ये टोटल है 400 का मास्क,
तो अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा फोर्थ प्रोडक्ट और ये ब्रह्मी हिबिस्कस हेयर ऑयल। तो ये जो है ये भी एक सैंपल फाइल में आता है और ये हेयर ऑयल है। ऑब्वियसली इसे आपको हेयर मसाजिंग के लिए यूज करना होगा, ऐसा नहीं कि आप नहाने से पहले बस उसको यूज किया पूरे हेयर में और नहाए। अब इसे आप ट्रेडिशनल वे में बोल सकते हैं चम्पी करना या हेयर में से अप्लाई करें, मतलब स्कैल्प पे इसे अप्लाई करके फिंगर टिप से बहुत ही हल्के से मसाज करना होगा। और उसके बाद अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो 2 घंटे या तो अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं, पर अपने हेयर में ऐसे हेयर कप खुला मत छोड़िए, कोई भी कवर से अपने हेयर को पूरे हेयर कप कवर कर लीजिए और पूरे रात के लिए इसके साथ रहिए। पर थैंक गॉड इसका जो प्राइस है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पे मुझे मिलते हैं 30 ml प्रोडक्ट्स और इसका प्राइस है 150 rupees, मतलब 30 ml का एक जो फाइल आपको मिल रहा है इसका प्राइस है 150 rupees। ये काफ़ी महंगा है। और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया है ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बोल सकती, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इसे रीड करना, तो मैं इस बुकलेट से आपको बता रही हूँ। इस ऑयल का इंग्रेडिएंट्स है तिल, ब्रह्मी, भृंगराज, मेहंदी, अमला की कुमारी, नीम लीफ एंड जैसुंद फूल। जसुंद फूल मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। तो ये सारी चीज़ें यूज़ किए गए हैं इस तेल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे जितना मेरे नॉलेज में है कि तिल, ब्रह्मी, भृंगराज, मेहंदी, कुमारी, आमला की, ये सारे चीज़ें हेयर के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, मतलब हेयर के रिग्रोथ के लिए, स्कैल्प को नारिश एंड मॉइस्चर रखने के लिए एंड जो प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग होता है उसके प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ जाने माने इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम में से हर कोई जानते हैं, पर दो एक है जो कि मुझे आज से पहले इसके बारे में नहीं पता था। तो ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। तो हर महीने में वैनिटी कस्क में एक ब्यूटी प्रोडक्ट रहता है, मुझे मिला है माई ग्लैम की तरफ से एक नेल पेंट। नेल आर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं तो ये बहुत काम आने वाले हैं, इससे आप पूरे नेल को पेंट कर सकते हैं और वाइट से आप इसमें कोई भी डॉट या ऐसा कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं या लाइन ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आए और ये इस तरह से यूज़ किए जाते हैं, दोनों को सेपरेटली इस तरह से यूज़ किए जाते हैं और एक साथ में, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं कौन सा शेड के साथ कौन सा शेड अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल इसी तरह से माई ग्लैम में पैकेजिंग होते हैं। तो वो लोग ही आपको सिलेक्ट करके देते हैं कि किस तरह से आपको, मतलब कैसे कलर कॉम्बिनेशन में आप अपने नेल को अगर प्रिंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो अच्छा दिखेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हर बार मेरे पास जो नेल पेंट्स आते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से आते हैं ताकि आपको ये आसान हो जाए कि किस तरह से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका भी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 5 ml प्लस 5 ml, टोटल 10 ml का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 390 rupees में, या 390 rupees में आपको मिल रहा है। सो गाइस ये है मार्च 2018 का वैनिटी कस्क जो मैंने अनबॉक्स भी कर लिया है और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिए हैं। तो इसका जो टोटल प्राइस है वो है 999 rupees। तो इसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसके साथ आपको कुछ फैसिलिटीज और भी मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप इस बॉक्स को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब इस बॉक्स के सब्सक्राइबर्स के लिए ये सारे डिस्काउंट दिए गए हैं। तो शोभा का ये जो ऑयल आप देख रहे हैं, तो इसके कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट परचेजिंग में ही आपको मिल रहे हैं 10% डिस्काउंट, मतलब टोटल आप जितने भी चीज़ें लेंगे इस सेम ब्रांड का वो टोटल प्राइस के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चाहते हैं ब्लेसिंग जो डेली क्लींजर है उसके, तो ब्लेसिंग के कुछ कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसका जो टोटल प्राइस होगा उसके ऊपर आपको मिलने वाला है 15% डिस्काउंट। यहाँ पे इस डिस्काउंट पाने के लिए कि किस तरह से वो लोग जानेंगे कि आप वैनिटी कस्क के सब्सक्राइबर्स हो, तो यहाँ पे एक कोड दिए गए हैं, इसे आपको यूज़ करना होगा तभी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और फिर ये जो मुझे मास्क मिले हैं, इस मास्क के लिए भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये मास्क है मोन्सब का और मोन्सब के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहे हैं। गुड, टोटल आपका जो बिल होगा वहाँ पे 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें से। तो अगर आप इस बॉक्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली वैनिटी कस्क के साइट में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इसे सब्सक्राइब करना है, ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पर मैंने आपको ये सारे जो प्रोडक्ट्स मुझे मिले ये कैसा है कैसा नहीं है इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है।
तो गाइस आज का ये जो वीडियो था ये बस यही तक था, तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।